सोशल साइट ट्विटर को एलन मस्क खरीद चुके हैं और अब उसमें बदलाव को लेकर लगातार फैसले भी ले रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है, उनका सस्पेंशन ट्विटर ने रद्द कर दिया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इस रिपोर्ट में पूरा सच जानिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको याद है? वैसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भूल जाने वाली शख्सियत भी नहीं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा होने की वजह बनी है उनसे जुड़ी एक पोस्ट, जिसमें दावा किया जा रहा है उनके ट्विटर पर एक्टिव होने का। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल फिर से एक्टिव कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये दावा उस दौर में हो रहा है जब हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है और फेक अकाउंट्स को लेकर सख्ती दिखाते हुए सीईओ से लेकर कई कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की फिर से ट्विटर पर वापसी हो गई है और उन्होंने इसके लिए एलन मस्क का शुक्रिया भी अदा किया है। यकीनन ट्रंप की ट्विटर पर वापसी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति होने के साथ ही बिजनेसमैन भी रहे हैं। ऐसे में मस्क से उनके बेहतर रिश्ते होना हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन मस्क के मालिक बनते ही ट्रंप के सस्पेंड अकाउंट की बहाली की खबर दुनिया के लिए सुर्खियां होती। ये महज वायरल होने वाली बात नहीं है, इसलिए हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने गूगल रिवर्स इमेज टूल का सहारा लिया तो हमें ज्यादातर वायरल पोस्ट से जुड़ी इमेज मिली। फिर हमने जब इस ट्विटर हैंडल की जानकारी खंगालनी शुरू की तो जल्द ही हमें वो ट्वीट मिल गया जिसके ट्रंप का अकाउंट होने का दावा किया जा रहा है। जब हमने इस ट्वीट के अकाउंट को गौर से देखा तो हमें यूजर नेम मिला @altgmr। इस यूजर अकाउंट का प्रोफाइल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर डोनाल्ड जे ट्रंप मिला। साथ ही ये भी देखने को मिला कि ये एक वेरीफाइड अकाउंट, यानी वो अकाउंट जिसको ब्लू टिक मिलता है। ट्विटर पर मस्क को शुक्रिया अदा करने वाला ट्वीट भी इसी अकाउंट से किया गया था। हमारे सामने अब भी सवाल था कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सस्पेंडेड अकाउंट को चेक करना शुरू किया। जल्द ही हमारी उलझन साफ हो गई, क्योंकि अपनी पड़ताल के दौरान जब हमने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ट्विटर हैंडल को देखा तो वहां अभी भी सस्पेंडेड का स्टेटस देखने को मिला। इसके साथ ही हमने जब यूजर नेम पर गौर किया तो हमें इस ट्विटर हैंडल पर @realdonaldtrump यूजर नेम मिला। दोनों यूजर नेम से साफ है कि अकाउंट अलग अलग लोगों से हैं और जिस ट्विटर हैंडल से ट्रंप के जुड़े होने की बात की जा रही है, दरअसल वो अब भी सस्पेंड ही चल रहा है, यानी कि उसे बहाल नहीं किया गया है। हमारी पड़ताल में साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली ट्विटर हैंडल अभी भी सस्पेंड है। उसके बहाली से जुड़ी वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह से सही नहीं है, दावा गलत है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।